तो श्वेता बच्चों के टिफिन में ना रोजाना क्या नया लेके जाए ना, ये एक चैलेंज हर मॉम को आता है। यस राइट, तो कुछ नया बनाए आज जो यस यस आई एम रेडी। ब्रेकफास्ट में भी चलेगा, स्नैक में भी चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। यस तो आज मैं इंग्लिश ओवन की 100% होल व्हीट ब्रेड यूज कर रही हूं, जो विच इज वेरी हेल्दियर आल्सो एंड वेरी टेस्टी आल्सो। तो सबसे पहले मैं फिलिंग बनाऊंगी, उसके लिए मैंने 1 कप का पनीर लिया है, जो एकदम मैंने मैश कर दिया अच्छे से पनीर। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पालक, एकदम फ्रेश फ्रेश पालक है, अच्छे से वॉश। और पालक अभी सीजन में भी है। यस, इसलिए हमने ऐड करा है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, पेपर पाउडर, चाट मसाला, एक ग्रीन चिली एंड लिटिल बिट सॉल्ट टू टेस्ट। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए पालक पनीर की हमने यहाँ पर स्टफिंग बनाई है। तो ये मैंने येल्लो मूंग दाल ली है, उसको अच्छे से वॉश करके उसको हम 1/2 hour to 1 hour सोक करके रख देंगे। और अगर आपको और भी जल्दी है तो गर्म पानी में आप 10 मिनट सोक करके रख सकते हो उसको। उसके बाद उसका पानी ड्रेन आउट करके मूंग दाल, ग्रीन चिली, जिंजर और सॉल्ट लेके उसको हम मिक्सी में प्यूरी बना देंगे उसका। तो देखिए मैंने बैटर ऐसे रेडी कर दिया, जितना पानी चाहिए अकॉर्डिंगली डाल के देखो, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नॉट वेरी थिक नॉट वेरी थिन। ओके, अपनी ब्रेड रेडी करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप मेरी ब्रेड कितनी फ्रेश है, देखिए। तो मैंने 2 ब्रेड लिए, तो एक ब्रेड में मैं पहले चटनी लगाऊंगी अच्छे से, अपनी ग्रीन चटनी। तो देखिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। और हमारी दूसरी ब्रेड पे मैं टोमेटो केचप लगाऊंगी। अभी जो हमारी चटनी वाली साइड की ब्रेड है उस पर मैं अच्छे से अपनी फिलिंग भर दूंगी। और देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना श्वेता, वेरी इजी। पता है अगर आपको फटाफट ये इंस्टेंट 10 मिनट्स में भी बनाना है तो आप पालक को स्किप करके सिर्फ पनीर लेके और प्याज काट के ये बना सकते हैं। अभी ये ब्रेड ऐसे यहाँ दूसरे ऊपर लगा दूंगी और उसको अच्छे से एक बार ऐसे प्रेस कर दूंगी। तो श्वेता ये तो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है ना, जैसे आप अपेक्षा देख रहे हो पूरे मैंने घर के इंग्रेडिएंट्स यूज करे, तो आप कभी भी फटाफट बना के खा सकते हो। बिल्कुल। तो अपनी ये बैटर में मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर दूंगी ये सब। मैं इसमें थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डालती हूँ, इसलिए क्या होता है ना एकदम वो सॉफ्ट हो जाता है। और हल्का सा पानी डालूंगी उसके ऊपर, दैट्स इट। और अभी अच्छे से वापस उसको पूरा मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल एंड में डालना है। यस, एकदम जब आपका एवरीथिंग इज रेडी नो तभी डालेंगे इसको। क्या मैंने एक पैन रख दिया ग्रिल पैन, इसमें मैं थोड़ा सा पहले घी डालूंगी और इसको थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। सो आप देख सकते हो कितना अच्छे से उसने होल किया है ब्रेड ने। अभी मैं इसमें बैटर में पहले डालूंगी और ये देखिए इंग्लिश ओवन की ब्रेड टूटती भी नहीं है। मैं इसको ऐसे रख दूंगी धीरे से, थोड़ा सा घी डालेंगे इसे क्या अच्छे से एकदम क्रिस्पी बन जाता है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे उसको होने देंगे हम। तो देखिए एक साइड हो गई है, अब हम इसको पलट लेंगे धीरे से, इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर देंगे। और श्वेता चाहे तो हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, राइट, नॉर्मल पैन में। यस, नहीं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो आपको एकदम ब्रेड पकौड़ा वाला फील देगा। पर हम यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं, जो आपकी चॉइस है आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए अपनी दूसरी साइड भी हो चुकी है, तो अभी हम देखिए देखिए कितना बढ़िया सिक गया है। तो देखिए दोनों साइड हो गया, तो हम थोड़ा सा ऐसे भी कर लेंगे ताकि इसके साइड्स भी थोड़ा सिक जाए। तो देखिए अपना दोनों साइड अच्छे से सब हो गया, तो अभी हम इसको निकाल देंगे, तो अभी हम इसको कट करेंगे। और देखिए कितना एकदम कुरकुरा बनाए, बन चुका है आपका ये शानदार नाश्ता, एकदम प्रोटीन रिच, टेस्टी, हेल्दी और सब कुछ है इसमें, तो आप भी जरूर बनाइए। हेल्दियर तो है ही और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, तो आप भी जरूर बनाइए ये रेसिपी, टिफिन लंच बॉक्स में बच्चों को रखिए और खुद भी ले जाइए और खाइए, एंजॉय करिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि इंग्लिश ओवन की 100% होल व्हीट ब्रेड आपको कैसी लगी। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।